स्टूडेंट भी कंफ्यूज है कि ये क्या स्टेटमेंट है एज अब एस्पायरिंग कैंडिडेट आंसू प्रेसिडेंट अब आ रहा है, तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है। तो इस विषय में सर आपको मिलने आया है, आपसे बात करने आया है, एग्जैक्टली क्या है आप थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमिंग। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, आई वुड से दैट द वॉइस क्लिप सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया इज नॉट कंप्लीट, इट इज जस्ट हाफ कन्वर्सेशन दैट द वन हु वायरल इट दे पुट इट। ये वॉइस मैसेज जो कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली एट दैट मोमेंट आई वॉज नॉट बूस्टिंग अगेंस्ट एनी कम्युनिटी एंड सोसाइटी। मेरा जो पर्सनल ग्रजेस है, किसी ने मेरा ऊपर उंगली किया, मेरा टाइटल को लेके, मेरा नाम को लेके और मेरा कैरेक्टर को लेके और फाइनेंशियली जो हम जो वर्ड यूज किया वो सब को लेके किसी ने मुझे बोला, इतना नीचा दिखाया हमको, उसका मैं जवाब दे रहा था। तो ये वॉइस क्लिप को पूरा नहीं डाल के आधा डाल के मेरा थोड़ा जात बात को बोलने वाला को ये डाला है। तो एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो वॉइस क्लिप डालना तो पूरा क्लिप डालिए ना, ताकि लेजेंड ज्यादा क्यों ऐसा बोल रहा था, किसने बोल रहा था वो आप जान जाए तब। तो ये सरासर आप जो स्टूडेंट को किसी कम्युनिटी को आप गुमराह कर रहा है। आप अगर फुल कन्वर्सेशन को डालेगा तो आदमी ट्रोलिंग भी कम होगा, सीधा मुद्दा को फैक्ट को जानेगा। तो फैक्ट को जानने के बाद आदमी जो खुद ही पर्सनल एजम्पशन लेगा कि अरे ये क्यों ऐसा हो, क्या बोल। अभी आधा क्लिप को डालेगा आप कैसे जानेगा, आप किताब का बीचों बीच से आप निकल के पढ़ेगा तो एंडिंग और आपका ये स्टार्टिंग नहीं जानेगा कैसे ये चीज जो होगा। इसलिए हम जो भी अगर ये वॉइस क्लिप को वायरल किया तो हम चाहते हैं कि आप कंप्लीट वॉइस क्लिप को डाल दें ताकि लोग पता चल जाए क्यों हुआ। क्योंकि हर कन्वर्सेशन को डाल के यहाँ में किसी का आपका आउटबर्स्ट निकलने वाला वॉइस क्लिप को डाल के यहाँ में हम वो तो कोई भी एंगल से सही मैसेज नहीं है। अगर हम लेमैन जैसे किसी और का जगह हम भी सुनता तो हम भी गलत लगना था, तो हमको भी सुन के अच्छा नहीं लग रहा है कि ये हमको ऐसा बोलते हुए हमको भी अच्छा नहीं लगा, मगर हम क्यों बोला वो हम जानता है, उसका अनदर पार्ट जानता है कि जिसका हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वो हम बोले से हम 3-4 मिनट हम लोग बात हुआ हम लोग के बीच में, तो डाला वाला तो शायद 1 मिनट कुछ का ही डाला, तो इसलिए पूरा पूरा फुल कन्वर्सेशन को डालने से ठीक था। अगर आदमी को कन्फ्यूजन में नहीं डालना है बोले से पूरा डालना था, शायद ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए था, मेरा पर्सनल इमेज को टार्निश करने के लिए, मेरे स्टूडेंट पॉलिटिकल करियर में आपका बाधा डालने के लिए किया, हम तो यही बोलेगा। बोला था कि इंसान है, हमें सेंटीमेंट इमोशन होता है हमें, तो हमको लगा कि ज्यादा ही बोल दिया, तो उस समय में मेरा ये इमोशनली आउटबर्स हुआ, तो हमने बोल दिया ये वो बोल के, मगर ये हम किसी कम्युनिटी को किसी वो को कॉमन मास को नहीं बोला, हम पार्टिकुलर एक इंसान को बोला है। तो मैंने तो ये भी एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि सिंस योर एस्पिरेंट आंसर प्रेसिडेंट यू नो तो कैंडिडेट तो स्टूडेंट का अमाउंट स्टूडेंट ये कंफ्यूजन है कि ऐसा मेंटेलिटी वाला को व्हाई दे शुड गो, तो उसको स्टूडेंट को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देखिए, आप एक आंसर प्रेसिडेंट कैंडिडेट है तो आप खुद को नहीं बचा सकेगा, आपको आप यहाँ में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को लीड करने जा रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप हर फील्ड में हमें फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली आप ठीक नहीं होगा, तो अगर हम ठीक हम तो करेगा भी नहीं, तो इतना ही वो बताना चाह रहा था कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम करेगा। और हम अगर खुद ये सब सुन के हम बर्दाश्त कर लिया, बहुत दिन से हम सुन के बर्दाश्त कर लिया, मगर कुछ होता है लिमिट, तो उस समय हमको लगा कि ये ज्यादा हो गया, इसको जवाब देना चाहिए। कम्युनिटी को सलूम बोला जाता है, तो आजकल के जमाने में तो जैसे हमको दाखला नहीं बोलना है उसी तरह सलूम नहीं बोलता है, पूरी बोलता है, मगर
उसने हमको बोला कि सलून का बराबर भी नहीं है ये सब वर्ड यूज किया, इसलिए हमको लग रहा कि इसका भी हम जवाब देना चाहिए, इसलिए हम जवाब दें। कन्वर्सेशन एक लीक हो जाता है, वायरल हो जाता है, प्लस ऑब्वियसली क्योंकि आंसर का भी फीवर चल रहा है, तो एंड आप ऑलरेडी इतना साल आप एक्सपीरियंस भी है स्टूडेंट पोर्टल करियर आपका ये इसमें, तो मतलब हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन आई वुड से दैट माय फील्ड मस्ट बी द बेस्ट आई थिंक। It's been 14 years that I have declared my candidature and I have been working on it since then. तो हम फील करता है कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जहाँ तक अंशु का सवाल है, जहाँ अंशु इलेक्शन का सवाल है, मेरा डिटर्मिनेशन डेडिकेशन जो 14 years है, तो यहाँ अभी हम लोग देखा जाए तो 12, 13, 14 से कैंडिडेट दिखा रहा है, इनमें से कुछ लोग तो मेरा कैंपेनर था, तो अभी वो लोग भी करेगा बोलते हैं, देख लेते हैं समय आएगा। तो किसी को वो नहीं है, मैं सबको बोलना चाहेगा कि सबको बेस्ट ऑफ लक, तो मैदान में उतरना ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है।